तेरे मन की भावना है और लाखों करो जतन, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं छूने को ये चरण। तेरे मन की भावना है, तेरे मन की भावना है, लाखों करो जतन, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं काना छूने को ये चरण। तेरे मन की भावना है, तेरे मन की भावना है, क्योंकि सुनिए एक दिन बुलावा तेरा ऊपर से आएगा, एक दिन बुलावा तेरा ऊपर से आएगा, कर्मों का लेखा तेरा देखा जब जाएगा, कर्मों का लेखा तेरा देखा जब जाएगा, कि किए जो कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, और दुखाया अपनी माँ का दिल तो खुद भी धोखा आएगा। क्यों? धर्म चोरी हो गया ईमान चोरी हो गया, धर्म चोरी हो गया ईमान चोरी हो गया इंसानियत इंसान चोरी हो गया, इंसानियत इंसान चोरी हो गया। कल सुना था कि एक सेठ के घर से मेहमान चोरी हो गया, और करने गए मंदिर में दर्शन तो भगवान चोरी हो गया। क्योंकि हमारे मंदिर में कई बार चोरी हो गई, घंटरिया ले गए, धारिया ले गए, सबे ले गए। अखबार में प्रतिदिन लिखा हुआ आता है उठावने की तलाश, गुमशुदा की तलाश। क्योंकि सुनिए महाराज जी ने तीन प्रकार के भक्त बताए थे। नंबर एक श्रोता, जो वास्तव में कथा सुनते हैं। नंबर दो सरोता, जिसका सुपारी काटने का काम होता है। नंबर तीन सोता, लंबा चौड़ा पांडा लगा हुआ है, जैसे हमारी आंटी जी बार बार सो रही हैं ऐसे ही हो। और जब ऐसे करी क्या कर रही है बहन, आनंद आ रहा है महाराज जी की कथा में, ये नहीं सो गई। महाराज जी के तीन प्रकार के भक्त तो ये हैं। अब सुनिए तीन प्रकार के भक्त कौन से मैं बता रहा हूं। पहले प्रकार के भक्त क्या कह रहे हैं सुनेंगे। ये पैर दिए काना ने दरबार जाने के लिए, पैर दिए काना ने दरबार जाने के लिए, हाथ दिए काना ने किसके लिए, ये हाथ दिए काना ने पूजा पाठ करने के लिए, हाथ दिए काना ने पूजा पाठ करने के लिए, आंख दी है काना ने सही राह देखने के लिए, आंख दी है काना ने सही राह देखने के लिए, और ये सर दिया है काना ने चरणों में झुकाने के लिए। ये हैं पहले प्रकार के भक्त। दूसरे प्रकार के भक्त हमारे कैसे हैं फौजी भाई, जो आज भी कारगिल की लड़ाई पर लड़ाई लड़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं सुने। ये पैर दिए काना ने सीमा पे जाने के लिए, पैर दिए काना ने सीमा पे जाने के लिए, हाथ दिए काना ने बंदूक चलाने के लिए, हाथ दिए काना ने बंदूक चलाने के लिए, आंख दी है काना ने दुश्मन को डराने के लिए, आंख दी है काना ने दुश्मन को डराने के लिए, और ये सर दिया है काना ने सीमा पे कटाने के लिए। जिस समय लड़ाई छिड़ जाती है उस समय फौजी भाई कभी पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते जाते हैं। आहा, अब आई तीसरे भक्त की बारी, और तीसरे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जी। तीसरे प्रकार के भक्त कैसे सुने क्या कह रहे हैं। ये पैर दिए काना ने चप्पल चुराने के लिए, कल कोई हमारे पंडित जी की चप्पल चुरा के ले गया। तीसरे प्रकार के भक्त हैं ये, घर से लेट आएंगे और यहां से पता है क्या, फटाफट प्रसाद लयो और तुरंत नई चप्पल कौन सी है, क्यों 200-300 की आ रही है ना बढ़िया चप्पल, बढ़िया तो और 1000-2000 ही पहन लो, कम से कम 200 रुपए की। तो देखिए दूसरे प्रकार के भक्त हैं साहब,
ये पैर दिए काना ने चप्पल चुराने के लिए, पैर दिए काना ने चप्पल चुराने के लिए, हाथ दिए काना ने जेब साफ करने के लिए, हाथ दिए काना। सही बात है जी, कहते हैं कि चोरी हो गई हमारी जेब कट गई दो चार बार तो, ये हाथ दिए काना ने जेब साफ करने के लिए, हाथ दिए काना ने जेब साफ करने के लिए, और आंख दी है काना ने अपनों से छुपाने के लिए। क्यों? ब्यास जी आए गली में, बहुत चाय नाश्ता की ना पूछनी पड़ जावे, रहने दो जाने दो ब्यास जी को, और गेट बंद कर लेंगे। आंख दी है काना ने अपनों से छुपाने के लिए, और ये कमर दी है काना ने पुलिस के डंडे खाने के लिए, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है आहा पटापट तो बहुत जोड़ देते, इसलिए तो कह रहा हूं धर्म चोरी हो गया ईमान चोरी हो गया, धर्म चोरी हो गया ईमान चोरी हो गया, हो गए इंसानियत इंसान चोरी हो गया, हो गई इंसानियत इंसान चोरी हो गया। कि कल सुना था एक सेठ के घर से मेहमान चोरी हो गया, और करने गए मंदिर में दर्शन तो भगवान चोरी हो गया। इसलिए कह रहा हूँ सुनिए सभी, ठोकर से गिर गया जो तू, ठोकर से गिर गया जो तू, गोवर्धन जाते हो परिक्रमा लगाने के लिए और ठोकर लग जाए समझ जाओगे आप, ठोकर से गिर गया जो तू संभल तो जाएगा, नजरों से गिर गया जो तू उठने न पाएगा। दीवाने की घबराहट, दीवाने की घबराहट, और लाखों करो जतन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, छूने को ये चरण। दीवाने हमने तो देख सुना।